दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस और ओपीएस से जुड़े हाल ही में सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जो कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जरूर जान लेने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं एनपीएस को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो एनपीएस में वीआरएस से जुड़ा नियम बदला गया। देखिए आप केंद्रीय कर्मचारियों को नई राहत मिली है। एनपीएस के तहत अब पहले रिटायर होने का ऑप्शन भी मिल चुका है, यानी समय से पहले ही केंद्रीय कर्मचारी वीआरएस ले पाएंगे और तब भी उन्हें एनपीएस का फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से ये नए नियम बनाए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई। ऐसे कर्मचारी जो कि 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं और अगर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वे स्वेच्छा से वीआरएस ले सकते हैं। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं एनपीएस में कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी भी। हालांकि इसके तहत कुछ नए नियम प्रावधान भी लागू किए गए हैं। सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की है। ये गाइडलाइन का मेमोरेंडम भी आप देख सकते हैं ऑफिशियल। तो सबसे पहला तो नए रूल्स के मुताबिक वैसे कर्मचारी जिन्होंने 20 साल की सर्विस पूरी कर ली है, ठीक है, तो फिर अगर वो चाहें तो उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने डिपार्टमेंट की अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा जिसने उनकी नियुक्ति की है। अगर अथॉरिटी केंद्रीय कर्मचारी के अनुरोध को खारिज नहीं करती है तो नोटिस पीरियड के खत्म होते ही रिटायरमेंट प्रभावी हो जाएगा, यानी कि रिटायरमेंट लागू माना जाएगा। और इस नए नियम के मुताबिक अगर केंद्रीय कर्मचारी 3 महीने से नोटिस पीरियड से कम समय में रिटायरमेंट होना चाहता है तो फिर उन्हें इसके लिए लिखित में अलग से अनुरोध करना होगा और नियुक्त करने वाली अथॉरिटी कर्मचारी के अनुरोध पर विचार करने के बाद नोटिस पीरियड को छोटा भी कर सकती है। केंद्रीय कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए एक बार नोटिस दे देता है तो अथॉरिटी के अप्रूवल के बगैर उसे वापस नहीं लिया जा सकता है और इसे वापस लेने के लिए जिस तारीख को रिटायरमेंट की इजाजत मांगी गई थी उससे 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर यानी डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो कि सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं उन्हें पीएफआरडीए के रेगुलेशंस 2015 के तहत सभी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी उन्हें स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज पर जो सभी सुविधाएं मिलेगी जो कि एक रेगुलर सरकारी कर्मचारी को जो कि टाइम पीरियड पूरा होने के बाद रिटायरमेंट लेता है वो सभी फैसिलिटी मिलेगी अगर 20 साल की नौकरी भी कर ली है तो, समझ गए हो। और वहीं अगर सरकारी कर्मचारी इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट को जारी रखना चाहता है या रिटायरमेंट की तारीख पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स को टालना चाहता है तो पीएफआरडीए के रेगुलेशंस के तहत इस ऑप्शन को भी अपना सकता है। ये मतलब सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई है, नई राहत मिली है। अभी वीआरएस के लिए 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है और वीआरएस रिटायरमेंट से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु भी आप देख सकते हैं। इन नियम कानून कायदा का पालन करना जरूरी होता है और कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट नोटिस के नए प्रावधान भी तय किए हैं सरकार ने। सरकारी कर्मचारी लिखित में इसके लिए अपील कर सकता है, नियुक्त प्राधिकारी इस पर विचार करेगा और अगर प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होता तो रिटायरमेंट को मंजूरी मिल सकती है। और बाकी ये 15 दिन वाला नियम तो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पहला अपडेट तो ये एनपीएस वीआरएस से जुड़ा नियम है। 20 साल की नौकरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी वीआरएस ले पाएंगे पीएफआरडीए एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत, ओके। अब देखिए आप ओपीएस से जुड़ा एक दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ रहा। ओपीएस लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होने वाली है। ये शर्त पूरी की तो 15 साल बाद मिलेगी इतनी पेंशन, ठीक है। अब समझिए ये नियम क्या है। तो दरअसल पुरानी पेंशन योजना के तहत जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है ये, क्योंकि भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 20 से 100% तक की बढ़ोतरी का प्लान तैयार कर लिया है। अब कितनी कितनी बढ़ोतरी किस किस कंडीशन में होगी जरा समझिए आप। अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को आयु की शर्त पूरी करनी होगी। मतलब क्या क्या एज कंडीशन होगी अब जरा समझिए। अगर सरकारी कर्मचारी वे 80 साल से 85 साल की आयु के बीच में है, जो मतलब ओपीएस के तहत रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनके बेसिक पेंशन में 20% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा, ठीक है। एक और तय आयु की लिमिट पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बतौर 100% तक की बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब 85 साल की उम्र से भी ऊपर की लिमिट क्रॉस करने के बाद ये अलग अलग तरह की एज लिमिट की कंडीशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार द्वारा तैयार किए गए प्लान के मुताबिक अगर 85 से 90 साल है या 90 से 95 साल है तो 30-40%, 95 से 100 साल के बीच उम्र है तो मूल पेंशन में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और 100 के भी पार पहुंच गया अगर कोई सरकारी कर्मचारी तो मूल पेंशन में 100% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओपीएस को लेकर भी सरकार नए प्रावधान तैयार किए हैं। उम्मीद है एनपीएस ओपीएस से जुड़े ये दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी किसी तरह का सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण जानकारियां, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले रोजाना देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।